इस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को केपी हुकूमत के हवाले भी किया जा सकता है, आप लोग ये मुतालबा भी कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कुछ? खैर करें कि इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि बहसीत सेक्रेटरी जनरल पार्टी के मेरे लिए बहुत अहम है कि मैं अपने महबूब कायद और चेयरमैन इमरान खान साहब से, पानी चेयरमैन से मैं मुलाकात करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सियासी गुफ्तगुशनीद होती है, वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और मिलना देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है, और अडियाला जेल के हुकाम हैं उनके पास कोई मुस्बत वो पॉइंट्स नहीं है जिसके ऊपर वो निगेट कर सकें या मुलाकात ना करने दें, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। अच्छा उमर यूसुफ साहब, इस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को केपी हुकूमत के हवाले भी किया जा सकता है, आप लोग ये मुतालबा भी कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कुछ? नहीं, हमारी नॉलेज में इस तरह की मेरे ख्वाहिश हो सकती है, पर मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इस तमाम तर सूरतेहाल में लॉन्ग मार्च या कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं ईद के बाद आप लोग? हर चीज़ रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी में है, और वो डिपेंड करता है कि हकूमत की क्या हिकमत अमली या फिर हकूमत के क्या रवैया होता है। हकूमत या मरकज़ी हकूमत से जो ये फैशिस्ट हकूमत है, ये या हमारे बुनियादी हकूक सलब करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है हर पॉसिबिलिटी ऑन द टेबल। बॉडी लैंग्वेज भी होती है, तो बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आपको इजाज़त मिलेगी, क्योंकि आपने कहा कि हमने दरख्वास्त दी है मिलने के लिए इमरान खान साहब से, तो क्या लगता है रवैयों को देख के आपको? बॉडी लैंग्वेज ये लगती है कि हमने जो ये फैशिस्ट हुकूमत है ये तो मैदान छोड़ के भाग चुकी है, एबडिकेट कर चुकी है, ना वो नेशनल असम्बली में उनकी कोई कार्रवाई नज़र आती है, गलत बिल्स पास करते हैं। उस दिन भी जो लास्ट डे था सेशन का, उस दिन जो इन्होंने चार ऑर्डिनेंसेस पास किए उसमें मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठ के बात की कि जो ऑर्डिनेंसेस में आपके क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट CRPC है उस पर अमेंडमेंट करनी, उसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो अमेंडमेंट्स थी उसको सिर्फ और सिर्फ IMF की जो यह रिक्वायरमेंट है उस पर गुफ्तगुशनीद होनी चाहिए थी, कमेटी को देखना चाहिए था कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के कौन से कवानीन में तरमीम कर रहे हैं। इसी तरह आपका नादरा था, बाकी भी जो इदारे थे जिनकी कवानीन में तरामीम करा रहे थे, वो क्या ज़रूरत थी? यहाँ तक कि उनके अपने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के लोग भी उठ के, जिनमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो उसको वोट आउट करते, हमने तो वोट कराया था, पर हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। जरदारी हो गया या बिलावल हो गया, ये लोग मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू, ये उसी चक्कर में लगे हुए हैं, ये अपने आप को शो करते हैं कि ये बहुत बड़े कोई जमहूरी लोग हैं, कोई जमहूरी लोग नहीं है, ये भी फासिस्ट हैं और ये भी खाओ पियो के साथ, ये मुस्लिम लीग नून वालों के साथ उसी तरह मिले हुए हैं। साहब ने बयान दिया है कि अब कौमी मफाद के लिए जो है वो मुकामत कौन सा ख्वाजा आसिफ जिसने फौज के खिलाफ मतलब बगावत का अलम बुलंद किया था, जिसने मतलब हड्डियां खुदा ना खास्ता नोचने की बात की थी, उस ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं? वो तो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ PTI भी कुछ सोच रही है? किसकी बात? हमारी मुज़ाकरात जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर और सबसे बड़ी पार्टी का बानी चेयरमैन मेरा लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।